नमस्ते बच्चों, CLE KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि बच्चों आप घर में सब लोग ठीक और स्वस्थ हों। तो चलिए आज की कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी कक्षा है वर्ण विचार भाग दो। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने सीखा था वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से दोहराती हूँ बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम खंडित नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, और किसी भी भाषा को सर्वप्रथम सीखने के लिए हमें वर्णों को सीखना पड़ता है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, और आज कल के क्लास में हमने क्या वर्णमाला की भी जानकारी ली थी। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्ताक्षर कितने हैं, ये सब हमने वर्णमाला के वर्णमाला टॉपिक में देखा था। एक बार फिर से देखिए, वर्णमाला यानी कि वर्णों की क्रमबद्ध रचना, वर्णमाला यानी कि वर्णों की क्रमबद्ध रचना को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर, 2 अयोगवाह व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25, अंत्यस्त 4 व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त अक्षर 4, कुल मिलाकर और अन्य व्यंजन 2, इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्णमाला में 52 व्यंजन होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं स्वर और उसके भेद। क्या देखने वाले हैं आज हम यहाँ पर, स्वर और उसके भेद। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पर किसी की भी सहायता नहीं ली जाती। अन्य वर्णों की सहायता के बिना, किसी के सहायता के बिना स्वर का उच्चारण होता है। ठीक है बच्चों, किसी के सहायता के बिना स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हाँ, समझ में आया। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए वो कौन कौन से हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ और औ। ये स्वर कितने बच्चों, 11 स्वर हैं। कितने हैं, 11। ठीक है बच्चों, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ठीक है, ये 11 स्वर हैं, ये बिना किसी सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम स्वरों के भेद। अब स्वरों के भेद कितने हैं, देखिए पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, स्वरों के कितने प्रकार हैं, 3 हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आगे देखिए, पहले स्वर का प्रकार जो है ह्रस्व स्वर का, तो उसकी परिभाषा करते हैं हम। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 4। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं वो, अ इ उ
री अ ई उ री। स्वर के ह्रस्व स्वर की परिभाषा किस प्रकार करते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और उनके उदाहरण हैं अ इ उ और री। बच्चों इसका उच्चारण हम इस री की तरह करेंगे। हिंदी में कन्नड़ में आप इसका उच्चार रू करते हो, हिंदी में हम इसका उच्चार करेंगे री। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा प्रकार जो है वो है दीर्घ स्वर। कौन सा प्रकार है दूसरा? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा हम कैसे करेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है वे स्वर दीर्घ कहलाते हैं और इनकी संख्या है 7। ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर की कैसे हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ, यानी कि ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब वो स्वर कौन कौन से देखिए, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। कौन कौन से हैं? आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये चार जो हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। ठीक है, समझ में आया दीर्घ स्वर का किसे कहते हैं दीर्घ स्वर? एक बार फिर से सुनिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, दो गुना समय लगता है, समझ में आ रहा है, दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और वो स्वर इस प्रकार हैं, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब तीसरा देखिए प्लुत स्वर। तीसरा कौन सा है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय ज्यादा लगता है, ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय ज्यादा लगता है वे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब ये प्लुत स्वर कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? जोर से पुकारने तक, जोर से किसी को हम पुकारते देखो वहाँ पर हम प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं, जोर से गाने में या तो कोई रोता है वहाँ पर। लेकिन मौखिक यानी कि जब हम बोलते हैं तब इस स्वर का चिन्ह जो है इस प्रकार जो लगाते हैं हम स्वर का चिन्ह जो है एस टाइप का, ये चिन्ह हम सिर्फ और सिर्फ लिखित रूप में ही लगाते हैं। समझ में आया? लिखित यानी कि राइटिंग जो रहता है ना वहीं पर हम ये चिन्ह लगा सकते हैं। किसी की रोने की आवाज़ हमें दर्शानी है तो इस ये चिन्ह हम दर्शा सकते हैं, या तो किसी का किसी को पुकारने के लिए अरे अरे ऐसे प्रकार से ऐसे 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 हम दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए यहाँ पर मैंने दिया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा उदाहरण देखिए, हे राम हे राम। इस प्रकार से तीन गुना स्वर, तीन ये जो स्वर है उसको पुकारते समय तीन गुना समय अधिक लगता है। समझ में आ रहा है आपको? आज हमने क्या क्या देखा एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। देखिए हमने देखा आज स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के भेद कौन कौन से हैं, स्वरों के भेद कितने हैं, और उनके प्रकारों के अनुसार उनके उदाहरण को भी आज हमने यहाँ पर जाना है। स्वरों के भेद तीन हैं, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर। ह्रस्व यानी कि जिनके उच्चारण में समय बहुत कम लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और ये चार हैं अ ई उ
री, ठीक है। अब दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में समय कितना लगता है, दो गुना समय ज़्यादा लगता है ह्रस्व स्वर से, इनकी संख्या है सात, आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये सात स्वर, ये सात स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और तीसरा प्रकार है जो प्लुत स्वर है, जिसका चिन्ह हम यस की तरह लिखते हैं और इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो ह्रस्व स्वर से तीन गुना ज़्यादा समय इनको लगता है, ठीक है बच्चों। अब इन्हें पुकारने या जोर से गाने या रोने को लिखित रूप में दर्शाने के लिए इस चिन्ह का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। उसका उदाहरण ओम ओम हे राम, इस प्रकार से हम क्या करते हैं उन उस प्लुत चिन्ह को लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंत में मैंने 11 स्वर दिखाए हैं, 11 स्वर में से जो अ है, इ है, उ है और रि ए, ये जो है वो क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। कौन से, ह्रस्व स्वर। और आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये जो हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कुल मिलाकर हमारी इस वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। कुल मिलाकर कितने स्वर हैं बच्चों, 11 स्वर हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया है, एक बार फिर से देखिए, अ ई उ री, ये जो हैं ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ ई ऊ ए ऐ ओ और औ, ये जो हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। समझ में आया आपको बच्चों, हाँ। तो आज के इस कक्षा में हम यहीं पर रुकेंगे बच्चों। आपको ये क्या करना है, आपके व्याकरण बुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। अगले क्लास में हम देखेंगे अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और जो हिंदी में आगत ध्वनियाँ हैं इनके बारे में और उनके उदाहरण के साथ साथ ही साथ स्वरों की मात्रा का भी हम ज्ञान करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।